नमस्कार, मैं रूपाली शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना उत्तर प्रदेश में। तो टीआरपी रेटिंग मामले से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अर्णव गोस्वामी अब किसी भी वक्त मुसीबत में फंस सकते हैं, और वो मुसीबत में क्यों फंस सकते हैं जरा वो भी जान लीजिए। क्योंकि आज मुंबई पुलिस ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया है कि बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता और अर्णव गोस्वामी टीआरपी घोटाले में मिले हुए हैं। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया है कि पार्थो दास गुप्ता ने यह कबूला है कि रिपब्लिक टीवी की रेटिंग बढ़ाने के लिए वो अर्णव गोस्वामी से पैसे लिया करते थे। और अब ये जो लिखित बयान है वो मुंबई पुलिस किसी भी वक्त कोर्ट में दे सकती है, और यदि इस बात की पुष्टि हो जाए तो अर्णव गोस्वामी अब किसी भी वक्त जेल जा सकते हैं। देखिए, यह सब पहला मामला नहीं है कि अर्णव गोस्वामी इस तरीके से विवादों में फंसे हैं। विवादों का सिलसिला अक्टूबर से ही शुरू हो गया था, जब मुंबई पुलिस उन्हें जबरन उनके घर से पुलिस स्टेशन ले जाती है, फिर मारपीट का मामला सामने आता है, और इसके बाद अब व्हाट्सएप चैट्स वायरल होने की खबर सामने आ रही है। ये जो व्हाट्सएप चैट की जो मैं बात कर रही हूँ उसको लेकर अर्णव गोस्वामी को कई बार टारगेट करने की कोशिश भी की है, या फिर आप ये ले लीजिए कि कांग्रेस ने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस दौरान जो कांग्रेस ने ये दावा किया है कि किस तरीके से देश की आंतरिक सुरक्षा मुसीबत में है, और इसके साथ ही पाकिस्तान के वजीर आजम भी इस विवाद पे टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं। खैर, ये तमाम बातें तो है ही, और लेकिन इस बात को पूरी तरीके से समझने के लिए ये आपको समझना होगा कि टीआरपी क्या होती है। टीआरपी का मतलब है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ये वो पैमाना है, ये वो मापदंड है जिससे किसी भी चैनल की रेटिंग, किसी भी चैनल की पॉपुलैरिटी बताई जा सकती है। और ये पॉपुलैरिटी और ये रेटिंग बताने का काम बार्क करती है। बार्क एक संस्था है जो ये बताता है कि कौन सा चैनल दर्शकों द्वारा ज्यादा देखा जा रहा है। और ये इसलिए मैं बता रही हूं क्योंकि बार्क ही वो संस्था है जिसके सीईओ पार्थो दास गुप्ता रहे हैं, एक्स सीईओ रहे हैं, और किस तरीके से उनके व्हाट्सएप चैट्स अर्णव गोस्वामी के साथ जो उन्होंने किए थे वो अब वायरल होने का जो ये जो कार्यक्रम है, ये सारी चीजें सामने आई है। आपको बता दें कि ये जो सारी चीजें हैं जिसमें अर्णव गोस्वामी अब फंसते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें जानने के लिए आपको ये भी जानना होगा कि इन दोनों का रिश्ता क्या है। 2017 में अर्णव गोस्वामी ने अपना खुद का रिपब्लिक नेटवर्क खोल दिया था। ये जो टीआरपी में हेर फेर का जो मामला है ये 2017 से 2019 तक चला, और इसी दौरान अर्णव गोस्वामी ने पार्थो दास गुप्ता को $12,000 रिश्वत दिया था। ये सारी चीजें हम नहीं कह रहे, ये मुंबई पुलिस कह रही है, और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अर्णव गोस्वामी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और वो किसी भी वक्त जेल जा सकते हैं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए अपना उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।